नमस्कार नमस्ते बिहार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूँ रुचिका राज आपके साथ। जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हुआ है, फैसले की वित्त मंत्री ने जानकारी दी है। क्या क्या फैसला हुआ है वो बताते हैं। तो कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटा दी गई है, यानी कि कैंसर की दवा जो है आप कम रेट में ले सकेंगे। सीतारमन ने ये जानकारी दी है, साथ ही कहा है कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर अब 5% हो चुकी है। 6 महीने में कसिनो से रेवेन्यू 34% बढ़ा है। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी का फैसला नवंबर में होगा। जीवन बीमा पर जीएसटी घटाने का फैसला अगली बैठक में होगा। बीमा पर जीएसटी के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित किए गए हैं। जीओएम स्वास्थ्य बीमा जीएसटी की समीक्षा करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम के नेतृत्व में समीक्षा की जाएगी। नवंबर में होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह निर्णय होगा। नमकीन पर जीएसटी 18% से घटाकर अब 12% कर दी गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ में कई योजनाओं की सौगात दी। इस क्रम में नीतीश कुमार अचानक पूर्व विधायक अनंत सिंह से मिलने उनके गांव लदमा पहुंच गए। करीब 15 मिनट में अनंत सिंह और नीतीश कुमार की ये दूसरी मुलाकात है। इस तस्वीर को देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके पीछे जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और साथ में काला चश्मा लगाए मुकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह। कहते हैं तस्वीरें सब कुछ कह देती हैं। इस तस्वीर को लेकर भी बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है। खैर, पहले ये जान लीजिए कि ये तस्वीर अनंत सिंह के गाँव लदमा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ में कई योजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे। सीएम ने कई योजनाओं की सौगात दी, कई योजनाओं का निरीक्षण किया और वापस लौटते समय अचानक सीएम का काफिला पूर्व विधायक अनंत सिंह के गांव लदमा की ओर मुड़ गया। यहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, काफी देर तक बात हुई और सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। लोग अभी सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं, लेकिन बात इससे भी आगे की है। सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह की 15 दिन के अंदर ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 26 अगस्त को भी अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अब चर्चा का बाजार गर्म है कि अनंत सिंह 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों से अनंत सिंह नीतीश कुमार के जबरा फैन बने हुए हैं। अनंत सिंह खुलकर कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा सीएम न पैदा हुआ था और न होगा। नीतीश जी का जोड़ा ने कोई मुख्यमंत्री पैदा लिया और बिहार में पैदा लेगा, हमारा हिसाब से पैदा नहीं लेगा। लालू सरकार देखते हमारा बात नहीं करते, आप लोग उमरिया कम है ना, देखे नहीं किए लीला। मोर कबड़ा किरनप होता था, जो मोड़ी कबाड़ता है ना, और चार गो बेटा दिल्ली में नौकरी करता था और बाप के यहाँ उठा लेता था। बिहार में छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ये मुलाकात उस दौर में हुई है जब नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया था और दूसरी पार्टी के साथ ही जेडीयू के भूमिहार नेताओं की भी नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आगाज आज से होने जा रहा है। सोमवार की देर रात को वे समस्तीपुर के लिए रवाना हुए। समस्तीपुर में वे स्थानीय पार्टी के पदाधिकारियों, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पहले चरण में 4 जिलों समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो देखिए, तेजस्वी यादव का आभार कार्यक्रम और इस यात्रा का आगाज समस्तीपुर से, आभार कार्यक्रम का आगाज। और ऐसे में पहले चरण की अगर बात करें तो 4 जिले इसमें शामिल हैं। इन 4 जिलों का दौरा तेजस्वी यादव करेंगे और इस यात्रा को लेकर के सियासत भी हो रही है। वैसे तेजस्वी यादव पहली बार यात्रा पर नहीं निकल रहे, लेकिन इनकी ज्यादातर यात्राएं अधूरी रही। आइए हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव कब कब कौन कौन सी यात्रा पर निकले हैं।
तो एक एक करके आपको हम इस पूरी यात्रा की तस्वीरें भी दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। 2018 में तेजस्वी यादव ने बेटी बचाओ साइकिल मार्च निकाली। 2018 में ही तेजस्वी संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर निकले। फिर फरवरी 2020 में बेरोजगारी यात्रा पर निकले। इसी साल फरवरी मार्च में तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर निकले और अब एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी की ज्यादातर यात्रा अधूरी रही। फिर भी अगर तेजस्वी यादव पर यात्रा पर निकलते हैं तो ये समझना जरूरी है कि तेजस्वी किसकी राह पर चल रहे हैं, क्योंकि यात्रा के सहारे राजनीति आरजेडी की परंपरा नहीं रही है, ये नीतीश कुमार की सियासत का तरीका है। यात्राओं के जरिए नीतीश भावते रहे हैं कि जनता का मूड कैसा है। 2005 में न्याय यात्रा कर नीतीश कुमार की कुर्सी तक पहुंचे नीतीश कुमार, और इसके बाद भी लगातार जनता के बीच वो जाते रहे। वहीं लालू यादव की अगर हम बात कर लें तो लालू यादव रैलियों के जरिए राजनीति करते रहे। 1990 से 2005 के बीच पटना के गांधी मैदान में कई बड़ी रैलियां हुई, जातियों वाले सम्मेलन भी खूब हुए, लेकिन तेजस्वी अब नीतीश वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। तो समझिए कि कौन कौन से मुद्दे और जिन पर तेजस्वी सरकार को घेरेंगे। पहला मुद्दा है 65% आरक्षण का, जिसे पटना हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। इस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने 1 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया था। दूसरा मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। केंद्र ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार किया है। तीसरा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। पिछले दिनों आपराधिक वारदातों को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। वही चौथा मुद्दा जून और जुलाई में कई जिलों में पुल गिरने का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। तेजस्वी यादव इसको भुनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो है ये पार्टी के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और उनसे नेता का डायरेक्ट इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि प्रॉपर फीडबैक पता चल सके। और हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन को और मजबूत किया जाए आने वाले समय को लेकर के। मास पार्टी के साथ साथ कैडर की भी पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि ये जो पहला जो हमारा जो कार्यक्रम है पूरे बिहार में जो हम लोग घूमेंगे, ये कार्यकर्ता संवाद होगा। इसके बाद नवंबर दिसंबर में हम लोग जनता के बीच फिर दोबारा जो है संगठन को मजबूत करके उनके बीच हम लोग। बिहार में सियासत कब किसे लेकर के शुरू हो जाए, कब किस दिशा में मुड़ जाए, कह पाना मुश्किल है। एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस पर विपक्षी आरजेडी इन दिनों कुछ ज्यादा ही नजर रख रहा है। बता दें आपको कि बीजेपी पर चाचा भतीजे के बीच झगड़ा लगाकर अपने हित साधने तक का आरोप आरजेडी की ओर से लगाया जा रहा है। एनडीए पर यह सवाल उठा तो पलटवार भी उतनी ही तेजी से किया जा रहा है। आखिर क्यों सियासत गर्म है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहले पशुपति पारस से अमित शाह की मुलाकात, इसके बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की पारस से मुलाकात, ये ही दो तस्वीरें हैं जिसे लेकर बिहार की सियासत इन दिनों गर्मा गई है। आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपना राजनीतिक हित साधने के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच झगड़ा लगाना चाहती है। बीजेपी पहले अपने सहयोगी पार्टियों का पीठ थपथपाती है और समय मिलते ही उनका अस्तित्व खत्म कर देती है। सुनिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन एलआई पार्टनरों को अपने साथ रखती है पहले उसी को ले लेती है, और लेने के बाद फिर उसको कमजोर करती है और अपने साथ मिला लेती है। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने शक्ति यादव के बयान पर पलटवार किया, साथ ही क्लियर कर दिया कि वे अभी एनडीए में हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी साथ रहेंगे, आरजेडी अपना घर देख ले। देखिए आरजेडी का जो ये कहना है वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी गठबंधन में मैं भी हूँ, बीजेपी गठबंधन में एनडीए गठबंधन में सभी लोग हैं, इसमें आपस में लड़ाने की बात नहीं है। आरजेडी के लोगों को अपने दल की चिंता होनी चाहिए, उनके दल में कितना क्या हो रहा है, कितना गुटबंदी है नहीं है, उनको अपने दल के लोगों को समेट के रखना चाहिए। अभी देखे हुए कि उनके दल से कुछ लोग बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंडिया ब्लॉक पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के पास विकास का कोई विजन नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बातें कहते रहते हैं। कि आज विपक्ष में बैठा व्यक्ति एक देश का युवराज जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, राजनीतिक धरातल सच्चाई को न जानते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं, न कोई विजन है उनके पास। जो लिख के देता है, जो समझाता है, वही वो बोलते हैं। वही हार बिहार में भी एक युवराज तेजस्वी यादव जी का है। LJPR अध्यक्ष चिराग पासवान अभी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। चिराग सहित उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं, जबकि पशुपति पारस गुट से एक भी सांसद नहीं है। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, पर BJP अभी से सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है। पर पार्टी के केंद्रीय और राज्य स्तर के नेतृत्व की पशुपति पारस से हुई मुलाकात पर सियासत तेज जरूर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। बेगूसराय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में NDA पूरी तरह एकजुट है। NDA में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, विपक्ष के दावे में दम नहीं है। विपक्ष का सपना कभी पूरा नहीं होगा, न सिर्फ इस बार बल्कि अगली बार 2029 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी। NDA गठबंधन एकजुट है मजबूती से, न सिर्फ ये 5 साल, न सिर्फ अगले विधानसभा के बाद हम लोग NDA की सरकार बनाएंगे, न सिर्फ ये 5 साल का कार्यकाल हम लोग पूरा करेंगे, बल्कि 2029 में भी NDA गठबंधन ऐसे ही चुनाव लड़ेगा और 29 की सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। अमेरिका की टेक्सास से राहुल गांधी ने RSS और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने चीन की तारीफ भी कर दी है। राहुल गांधी के विदेशी धरती से अपने देश की संस्थाओं पर निशाना और चीन की तारीफ को लेकर के BJP नेताओं ने निशाना साधा है। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। दुर्भाग्य है, अपने ही देश की बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं। राहुल गांधी विदेश जाएं, विदेशी धरती पर कुछ बोलें और भारत में सियासी माहौल ना गरमाए, ये भला कैसे संभव है? एक बार फिर राहुल गांधी अमेरिका में हैं। अमेरिका के टेक्सास से राहुल गांधी ने RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। The RSS believes that India is one idea. We believe that India is a multiplicity of ideas. राहुल गांधी ने विदेशी धरती से RSS पर तो निशाना साधा ही, रोजगार के मसले पर चीन की तारीफ भी कर दी। The West has an employment problem. India has an employment problem. There are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. राहुल के इन बयानों पर BJP के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला किया। कहा, राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पलटवार किया। चिराग ने कहा, विदेश जाकर भारत की बुराई करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से देश की राजनीति पर निशाना साधा। सवाल है कि क्या विदेशी धरती से इस तरह की बातें करना ठीक है? न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा की जा सकती है।
दरअसल सियासी हलचल के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बीच मुलाकात हुई। उमेश कुशवाहा के आवास पर लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा हो सकती है, साथ ही आयोग और बोर्ड की लिस्ट भी तैयार हो गई है। उमेश कुशवाहा ने मुलाकात को औपचारिक बताया और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण बताया। बीजेपी जो गठबंधन दल है आपस में तालमेल बहुत अच्छा हो करके बूथ लेवल तक, चूंकि हम लोग का अभी सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं बूथ लेवल तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिल करके मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें। विस्तार की भी चर्चा है। सब 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 तैयार है, किसी भी समय हो सकता है, कुछ भी मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय हो सकता कभी है। कभी भी शिष्टाचार मुलाकात है। अब जान रहे हैं कि पार्टी के जो है हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग आपस में कुछ बिंदु पर बात करने के लिए और संगठन को और भी जो हमारे जो NDA घटक दल है उसको बैठक के लिए चाहे समन्वय स्थापित करने के लिए नीचे स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में कैसे तालमेल हो हर बिंदु पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के सामने बवाल हुआ। आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, बता दें आपको कि जानकारी के मुताबिक मंच पर बैठने को लेकर के कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए। काफी धक्का मुक्की हुई और जमकर हंगामा भी हुआ। मामला बिगड़ता देख प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम से बाहर चले गए। हालांकि कुछ समय के बाद मामला शांत हो गया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल दोबारा पहुंचे और वहां के कार्यकर्ता नेताओं को कुछ ही मिनट में संबोधित कर कार्यक्रम को खत्म कर दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जमशेदपुर से आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे थे, जहां पर काफी धक्का मुक्की हुई, जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के दो गुटों में ये धक्का मुक्की हुई है और उसके बाद जो कार्यक्रम था उसे फिलहाल कुछ देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन फिर बाद में जब मामला शांत हुआ तो कार्यक्रम को दोबारा शुरू किया गया। और इसकी सीधी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। मंच पर बैठने को लेकर के आपस में दो गुट भिड़ गए। एकदम किनारे से मोटरसाइकिल से चाहे जैसे भी हो लोग पैदल भी हर जगह 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 पर हम लोग तैयार थे वेलकम के लिए, झंडा पताका कर रहे थे। अब यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने पहले सब फूल है ऊपर नीचे, अब वे लोग आ गए तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत ठेला ठेली हो गए। खबर पटना सिटी से है, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन के दौरान 5 युवक गंगा नदी में डूब गए। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से 3 युवक तैर कर बाहर निकल गए, जबकि 2 युवक नदी की तेज धार में बह गए। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से तलाश में जुट गई है। अभी तक दोनों युवक का शव बरामद नहीं हो सका है। डूबे युवकों की पहचान अंशु कुमार और फेकन महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दमराही घाट पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान गहराई का अंदाजा नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वे डूबने लगे। माल सलामी थाना अध्यक्ष ने STRF के सहयोग से तलाशी अभियान शुरू करने की बात कही है। घटना के बाद से गंगा नदी में डूबे दोनों युवकों के परिवार में कोहराम मचा है। यहाँ पर गणेश पूजा था, विसर्जन था, आज पुलिस लोग बोला कि गांव में बोला कि आज ही उठ जाना चाहिए, नहीं तो सब हम लोग का प्रोग्राम था कि कल उठेगा, आज ही उठवा दिया सब मिलकर। पुलिस बोला प्रशासन 112 आया, वही साथ में यहाँ पर भी आया, यहाँ पर आकर भी यहाँ तक आया है, प्रशासन मारते आया है सबको। तब मार के डर से बचाने वाला भी मार रहा था, बताइए बचा, 3 को तैरने वाला था, तीनों टहरने वाला था, 2 बिना टहरने वाला था वो डूब गया, और तीनों कोशिश किया बचाने का बाकी कोई फायदा नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन मारने लगा सब मिलकर। यहाँ पर तो भीड़ देख रहे हैं, डूब गया सो माने आए हैं देख रहे हैं। कितना लोग डूबा था? 2 आदमी डूबा था, मतलब कुल केट होता 5 तो था, 5 को था, उसमें 3 को निकल गया। हाँ, 2 को डूब बैठ। यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद मुजफ्फरपुर में सियार का खौफ देखा जा रहा है।
कुडनी और मुशहरी प्रखंड के सुस्ता पंचायत के बंगरा इलाके में लोगों के लिए सियार परेशानी का सबक बन गया है। अब तक 20 से ज्यादा लोग सियार के हमले से जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम करीब एक दर्जन लोगों को जख्मी करने की बात कह रही है। कुंकार सियार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है। आपको बता दें कि माइकिंग से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और दूरबीन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। गांव के लोग भी जगा कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं और पहरेदारी के चक्कर में लोग रात में सो नहीं पा रहे। लाठी डंडे के साथ पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। मुजफ्फरपुर में सियार का आतंक लगातार जारी है। शेरपुर पंचायत और आसपास के कई गांव में लगातार सियार ने कई लोगों पर हमला किया है। अब तक 20 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। वही वन विभाग की टीम जो है लगातार पड़ताल में है और वैसे सियार की पड़ताल की जा रही है जो लगातार हमलावर है तमाम क्षेत्रों में। आप देखेंगे इस वक्त माधोपुर सुस्ता में किस तरीके से जो बांध है वहां पर वन विभाग की टीम जो है वह दूरबीन से पड़ताल कर रही है। दूर दूर तक नजर रखी जा रही है। गाड़ी के माध्यम से के माध्यम से लोगों को सूचना दी जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि देर शाम में इधर की तरफ ना निकले क्योंकि जो सियार है वो लगातार हमला कर रहा है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तमाम जगहों पर जो है वह केज लगाए गए हैं। अब देखेंगे कि ये तमाम क्षेत्र जो है ऐसे जगह पर इसी तरीके के पिंजरे जो केज है वह लगाए गए हैं। ये हमारा ये 7 पिंजरा लगा हुआ है, 2-3 पिंजरा स्टैंड बाय है क्योंकि सियार का जो या जो अज्ञात पशु है उस। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त, चलते वापस आते हैं।